बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर इज 25. वी हैव ऑलरेडी डन इट्स क्वेश्चन आंसर्स, वी हैव डन द फुल चैप्टर. नाउ इट्स टाइम टू डू बैक एक्सरसाइज. पेज नंबर इज 25. इन प्रीवियस क्लास, आफ्टर प्रीवियस क्लास आई गिव यू होमवर्क टू सॉल्व दिस बैक एक्सरसाइज. हैव यू सॉल्व इट? Write yes in the chat box. Have you solved it? Very good. Yes, very nice. So today we are going to discuss it. ठीक है? आप अपने answers match करोगे. It will be a discussion session. Okay? I will ask you what you have written and you will tell me your answer. Okay? और साथ में आपकी checking भी हो जाएगी. Right? So first is multiple choice questions. You are given a statement and four options and you have to pick the correct option. Okay. So first question is, which among the following is secreted in our mouth? And let me ask this from new students se poochte hain. Sachi. Sachi. Yes, ma'am. Yes, ji. Answer batao. What you have written? Saliva. Saliva. Saliva, ma'am. Write your answer in the chat box. Other students. Very nice. So, which among the following is secreted in our mouth? Saliva is secreted in by eye. What is written in our mouth which secretes saliva? What is saliva? Chewing? Chewing. No. Anything else? हमारे माउथ में ऐसी कौन सी चीज है जो सलाइवा सिक्रीट करती है? Chewing तो एक प्रोसेस है, वो कोई चीज थोड़ी है हमारे माउथ में. Swashing? No. साक्षी ने आंसर किया salivary glands. Very good साक्षी. No एकम, it is not starch. सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा हमारे माउथ में. ओके, तो जो बाकी के ऑप्शन है, एसिड स्टमक में होता है, विनेगर तो कहीं भी नहीं होता हमारी बॉडी में, एंड जो बाइल है वो लीवर में होता है. तो माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है. ओके ओके, सो मूविंग अहेड, विच ऑफ दीज एक्शंस टेक्स प्लेस इन द माउथ? फोर ऑप्शंस आर च्यूइंग, चोमिंग, स्क्वैशिंग, एब्जॉर्प्शन. ओके, अब सेकंड का आंसर देने लग गए थे. अब इसका मेरे शिवेन. शिवेन मेरे थे. शिवेन अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग मैम. यस शिवेन, टेल मी योर आंसर. व्हिच ऑफ दीज एक्शंस टेक प्लेस इन माउथ? च्यूइंग. च्यूइंग. Chewing. Option A, chewing. Very good. Let me see your answers in the chat box. All the answers are correct. Very good. Yes, very good. So chewing is done by our teeth and it takes place in our mouth. Okay. Churning kahan hoti hai? Can you tell me where churning takes place? Churning kahan hoti hai? Hamari body mein. ये सबका आपको पता होना चाहिए. वेरी गुड साक्षी. इन द स्टमक. यस गुड नमनजोत. चर्निंग स्टमक में होती है. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे, कौन से ऑर्गन में जाके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं? यस वेरी गुड गौरिका. इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नो हरबीन, इट इज नॉट एनस. एनस से तो हम अपना वेस्ट बॉडी का बाहर निकालते हैं. It is small intestine where absorption of nutrients take place. Okay, good try. Next question is, nutrients get absorbed into blood through. अभी similar question मैंने आपसे पूछा है, अब इसका answer देंगे पीरेन. Good morning, ma'am. Small intestine. Small intestine.
यस लेट मी चेक योर आंसर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है ओके सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन ओके स्मॉल इंटेस्टाइन अभी मैंने अभी आपसे पूछा था एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है एब्जॉर्प्शन जो होती है न्यूट्रिएंट्स की फिर वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं फिर ब्लड हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है ओके लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट्स नहीं होते स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं एनस से भी नहीं होता ओके सो आपने सबने आंसर्स भी अपने मैच करने हैं साथ साथ में ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग यू हैव गिवन टू कॉलम्स जहां पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो साथ में बताना है ओके ऐसे करते हैं नीचे से स्टार्ट करते हैं ठीक है नंबर 5 से ओके स्टमक ये मुझे याद है ब्रदर बता देते हो ओके लेट मी डू सम चेंजेस ये जब आप चैट बॉक्स में आंसर सेंड करते हो ना अब मैं आपकी जो मीटिंग है उसके सेटिंग चेंज करने वाली हूँ आपके आंसर्स ओनली मुझे आएंगे ठीक है अब आपके मैसेजेस मुझे आएंगे ओनली अब आप चीटिंग नहीं कर सकते हो ओके सो वन से स्टार्ट करते हैं डाइजेशन नंबर 1 डाइजेशन व्हाट इज डाइजेशन ये मुझे बताएंगे रितमन रितमन अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम यस रितमन आंसर बताओ इसका रितमन आंसर बताओ सॉरी मैम आई हैव नो द आंसर यू डोंट नो द आंसर डू यू नो व्हिच क्वेश्चन वी आर डूइंग यस मैम व्हिच क्वेश्चन वी आर डूइंग मैम मैच द फॉलोइंग डाइजेशन यस डाइजेशन आपने दूसरे कॉलम के सारे ऑप्शंस चेक किए कैसे चेक ऑप्शंस यस मैम यस एंड कांट यू गेस व्हाट वुड बी इट्स आंसर ओके लिसन टू इट वेरी केयरफुली ओके लेट मी आस्क द अदर स्टूडेंट By the way, it was a homework. Pulkit Bansal. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, Pulkit, give your answer. Ma'am, digestion? Yes. Ma'am, swallowing. आपने डाइजेशन मिला था आपको सॉल्व करके रखना चाहिए था ओके मिष्ठा मिष्ठा नोट्स हरूर बंगा ये हरूर स्पीक अनलॉकिंग Nutrients present in food. Unlocking nutrients present in food. Digestion. Rithman, listen to it very carefully. This is the definition of digestion. It is unlocking nutrients present in food. What is unlocking? Lock hota hai band karna. Unlocking means kholna. Okay. न्यूट्रिएंट्स को खोल के हमारी बॉडी यूज करना होता है हमारी बॉडी को ओके सो दैट अनलॉकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड दैट इज नोन एज डाइजेशन ओके जिन्होंने आंसर दिए हैं बुक चैट बॉक्स में वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलाइवा इसका आंसर देंगे हरदीन कौर
Yes, ma'am. Yes, I see on your video. Yes, ma'am. Okay, tell me your answer. Ma'am, food pipe. तो क्वीजिंग एक तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से बैठो एक्टिव होके लिखा नहीं है तो क्वीजिंग बैठ के क्लास लेंगे वेस्ट योर बुक शो योर बुक हाँ लेट के हल करना बैठ के करना मैम स्पेलिंग स्पेलिंग यस और ये सही ना कर रहे हैं बच्चे हम नहीं अरबी और आंसर इज नॉट करेक्ट ओके लेट मी आस्क फ्रॉम नक्श मिगलानी मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नक्श स्विच ऑन योर वीडियो मैम शैल आई वा यस Ma'am, I think I'm digestion in the mouth. Okay, you think? Be confident, okay? Give your answer confidently. Your answer is correct. Digestion in mouth. Ma'am, thank you. Okay, let me tell you one thing. When I change the setting of chat box, number of answers reduced. Number of answers kam ho gaye mere paas jo aate the. क्योंकि अब आप एक दूसरे के आंसर्स को देख नहीं सकते हो आप बस मेरे से चेक कर सकते हो ओके सो नेक्स्ट इज फूड पाइप एक्सक्यूज मी मैम यस प्रिया इसका आंसर देखिए दीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ दीक्षा अर्जुन विजेंद्र पाल विजेंद्र पाल मैम सोलिंग आई कांट सी यू स्पीकर इंजीनियर मैम स्मॉलिंग Spelling, pronounce it swallowing. Okay, swallow is nikal jana. So food pipe helps us in swallowing. Okay, food pipe se hoke food jata hai. Okay, ek question aapse puchte raat mein. What is the other name of food pipe? Give your answer in the chat box. What is the other name of food pipe? Aur ye batayenge Sukhmeet Singh. What is the name of food pipe? सुखमीत सिंह आर यू लिसनिंग बहुत सारे बच्चों ने आपको बता लिया है यस मैम यस मैम बताओ व्हाट इज द ऑफ फूड पाइप मैम आई डोंट नो यू डोंट नो स्मार्ट Smart and beautiful. No, okay. Amajot. Esophagus. No, it is not the correct pronunciation. What you are saying is correct, but the pronunciation. Esophagus. Asma, on your video. Smart, switch on your video. Yes, speak again. Esophagus. Yes, very good. It is esophagus. Okay, Namanjot, सब बच्चे अपने आप को म्यूट करके एक बार बोल के देखो. ठीक है, Smart is very happy after answering the correct.
सब बच्चे अपने आप को म्यूट करके बोल के देखो, आई वॉन्ट टू सी योर फेसेस, आई वॉन्ट टू सी योर लिपसिंग. ईसोफेगस, ठीक है, ओ इज साइलेंट हियर. ईसोफेगस, ईसोफेगस, ओके, इट इज वेरी सिंपल, सिंपल स्पेलिंग, जैसे बोलना है वैसे ही लिखना है, ओ है पहले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड प्रिजर्वेटिव. इसका आंसर देंगी प्राची. गुड मॉर्निंग मैम. यस प्राची, गुड मॉर्निंग मैम. फूड विनेगर, विनेगर, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करते, जैसे आपने चैप्टर वन में भी पढ़ा था, ठीक है, तो विनेगर फूड प्रिजर्वेटिव. नेक्स्ट ए की बच गया है, इसका आंसर सबको पता होगा, स्टमक. के वांट टू आस्क समबडी, जेनिट, जेनिट अनम्यूट योरसेल्फ. जेनिट आर यू देयर? ओके, हर्षिता, हर्षिता बैंस, मैम इट इज एसिड, मैम एसिड. हर्षिता आई कांट हियर यू. मैम एसिड, एसिड, यस, द लास्ट ऑप्शन एसिड, ओके, स्टमक एसिड. सो द ऑर्डर इज 2, 3, 5, 1, 4, ठीक है, 2, 3, 5, 1, 4. मैच कर लिया सबने आंसर? ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेम द फॉलोइंग, ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी है, ये वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है. नेम द फॉलोइंग अनडाइजेस्टेड सॉलिड. मैम व्हाट द ऑर्डर ऑफ मैच द फॉलोइंग? 2, 3, 5, 1, 4. Undigested solid waste. I have started getting answers in the chat box. Very nice, very nice. And I'd like to ask Harshita Soni. Emphasis. Speak again. Emphasis. हम सही बोल रहे हो, पनास wrong कर रहे हो. बोल सही रहे हो. It's faces. ठीक है, faces नहीं है. Faces, F A E है ना? F A E. Yes. Okay, अब बोल के देखो. बोल के देखो. Faces. 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 Very good. Okay, next है chemicals secreted in the digestive system which help in breaking up of food. Quite a long statement. Chemicals secreted in the digestive system which help in breaking up of food. Yes, very good. The digestive system भी answer कर दिया. That is not correct. Aseem. Aseem Samra. Yes, ma'am. Aseem, switch on your radio. Enzymes. What? देखो पूरा चैप्टर हमने कर लिया, आप बच्चों को वर्ड प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे हैं. प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस. नो, इट इज एंजाइम. बोलो बोलो सी, एंजाइम, एंजाइमस नहीं, एंजाइम्स. ठीक, अगेन एंजाइम. हाँ, एंजाइम बच्चे भी बोल के देखिए, एंजाइम्स. Okay, no problem, no issue. You people will take time. This thing is really new to you. Time के साथ but अपने आप को improve करना है. पहले आप लोगों ने learn कर लिए हैं, बोलना भी आना चाहिए. Okay, enzymes. आपको पता है ना, आपकी video calling के through assessment होनी है. Morning में message भेजा है ना मैंने आपको, देखा आपने? Mom, yes, ma'am. मॉर्निंग में एक तो आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है, अब 8 o'clock से क्लास स्टार्ट होनी है आपकी मंडे से. ओके,
और आपके सब्जेक्ट टीचर्स, मैंने शेड्यूल भेजा है रोल नंबर वाइज, टाइम के साथ आपको वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है? वीडियो कॉल के थ्रू आपकी असेसमेंट होगी, आपसे कुछ क्वेश्चंस, जनरल से क्वेश्चन जो टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग पूछना है, ओके? एंड आपको ध्यान रखना है कि आपका रोल नंबर किस टाइम पे आया है और आपको उस टाइम पे प्रेजेंट रहना है फोन के पास, ओके? ताकि मैम की जब कॉल आपको आए आप वहां पे होने चाहिए, आप मिस नहीं करो कॉल, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत बच्चे हैं असेस करने के लिए, ओके? तो आपने प्रेजेंट रहना है फोन के पास अपने उस अलॉटेड टाइम पे, ओके? तो हम वीडियो कॉल पे इंडिविजुअली मिलेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यस फॉर मी, एक्सक्यूज मी मैम, साची यस, एक्सक्यूज मैम, आप चैप्टर बताओगे असेसमेंट क्या? असेसमेंट में बच्चे आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? ओके मैम। और मैम पीटी वन भी आएगा? नहीं नहीं, अभी जो टॉपिक चल रहा है वही डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है आपका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। डाइजेस्टिव ऑर्गन इन्वॉल्वड इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ऐसा हमने पहले भी किया है। यस, ये बताएं रे भावेश, भावेश अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ओके, मुझे आपका सुन गया था आंसर मैम। एनस आंसर भावेश? एनस नो नो नो, एनस नहीं इसका आंसर। ओके प्रबलीन सैनी, प्रबलीन गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रबलीन, गिव आंसर। Small intestine. Small intestine. Very good. It is a small intestine where nutrient absorption takes place. Okay. We have done similar questions earlier also. Okay, next question is an opening at the end of digestive system which allows the undigested waste material to pass out of the body. Quite long statement, but understand it. It is the opening at the end of digestive system, ठीक है? जो कि क्या करती है, undigested waste material which is feces, जो हम आपने पहले भी आंसर किया है, feces को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ओके, ये आंसर करेंगे अंशिका। अंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, Anshika. Yes, ma'am. Bachi, are you there? Ma'am, yes. Arishi? Arishi, tell me your answer. Yes, Aishi, tell me your answer. You have not solved it. Aishi is not responding. Okay, Divansh, Soni. Divansh. Yes, sir. Yes, Divansh, is on your video. Divansh, it's on your video. And tell me your answer. No response. ठीक है, एकम, एकम। Good afternoon, good morning, ma'am. Good morning. बच्चे, tell me your answer. Anus. Anus.
Yes, the correct answer is anus. Well, so that's all about this chapter. Now this chapter finishes. You have done question answers and back exercise. हमने आज discuss कर ली है.